नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पालिकाओं को 15,828.39 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। हरियाणा की शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सरकार के 4 साल के कार्यकाल में पालिकाओं को 15,828.39 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसमें से 97.84 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया है। उन्होंने सोमवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 मंडी टाउनशिप को पालिकाओं के स्थानांतरित करने के बाद इसका विकास पालिकाओं द्वारा किया जा रहा है। उनके विकास के लिए हरियाणा शहरी एवं विकास प्राधिकरण की एक और समन्वय समिति का गठन किया गया है, जो उनके विकास के लिए आवश्यक योजनाएं बनाएगी। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 163 सेक्टर, जिसमें पिछले 10 सालों का विकास कार्य नहीं हुए हैं, उनके विकास के लिए 256 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है और 142 करोड़ रुपए पालिकाओं को जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि करनाल और फरीदाबाद केंद्र द्वारा तैयार स्मार्ट सिटी की सूची में है और गुरुग्राम को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा केंद्र सरकार का टेक्निकल सहायता ली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कचरा प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे, जिसमें कचरे से बिजली बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी क्षमता 10 मेगावाट होगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत पानीपत क्लस्टर में कचरा प्रबंधन संयंत्र का काम चल रहा है। 6 क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, उन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 532 पार्कों का निर्माण किया गया है, जिन पर 66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा 25 पालिकाओं को पार्क बनाए जाने की घोषणा की है, जिस पर 78 करोड़ रुपए का खर्च आना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती परियोजना के तहत 50 स्थानीय निकायों में पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अमृत योजना के अंतर्गत विशेष तौर पर बच्चों के लिए 80 पार्क बनाए जाएंगे। आप देख रहे हैं पल पल चंडीगढ़ से ये खास रिपोर्ट। शहरी निकाय विभाग की तरफ से आयोजित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी मेरे पत्रकार बंधुओं और हमारी एक भगिनी बहन, बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ, चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि सरकार और मीडिया के बीच में एक तालमेल बना रहे, जिससे कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं या जो सरकार का विज़न है लोगों तक पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो रिलेशन है और हम लोग दोनों का जो मैं समझती हूँ कि एक ही विज़न है और एक ही मोटिव को का आगे लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम समाज के अंदर सुधार कर सके और जागरूक भी कर सके सरकार को कि जो जो कमियां हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारी कामयाब रहेगी और सरकार जनता के बीच में जो चीज़ लेकर जाना चाहती है या जनता जो चीज़ हम तक पहुँचाना चाहती है वो आपके माध्यम से हम तक ज़रूर पहुँचेगी। आज क्योंकि हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि हमारे जो सभी विभाग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी और उसी के मद्देनज़र ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित रखती है। और शहरी निकाय विभाग कहीं ना कहीं एक बहुत अहम विभाग है और एक छोटी सरकार के रूप में जाना जाता है। छोटी सरकार इसलिए इसको कहा जाता है कि एक तो जितनी भी सर्विसेज है, जैसे एक सरकार जो सर्विसेज मुहैया करवाती है लोगों को, उसी तरह से अर्बन लोकल बॉडी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और चाहे वो पीने के पानी की बातें हों, दूसरी सुविधाएं हों, नागरिक सुविधाएं हों या टैक्स भी अपने अपने आप लगा सकते हैं, अपने रिवेन्यू उनको खुद जनरेट करने हैं, सो एक कम्प्लीट ऑटोनोमस बॉडी की तरह से वो काम करती हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों का रुझान भी शहरों की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि शहरों के अंदर हम लोग ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, लोगों को जो डेली रूटीन की जो उनकी सुविधाएं हैं उनको कैसे स्मूथ तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर सकें, ताकि शहरों के ऊपर जो जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है उसको समुचित रूप से हम लोग व्यवस्थित कर सकें।
और जब हमारी सरकार बनी 2014 के अंदर, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हमारी मैनिफेस्टो के अंदर भी मुख्य रूप से जो 10 इस तरह के वायदे थे जो शहर की जनता को लेकर किए गए थे, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वायदे के अनुसार आज इस 4 साल का पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर हम आंकलन करें तो आज हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, क्या प्रोग्रेस हमारी रिपोर्ट है। तो सबसे पहली जो हमारी जो मुख्य रूप से जो घोषणा थी वो यही थी कि प्रदेश के अंदर सभी ब्लॉक मुख्यालय मंडी टाउनशिप को विकसित करने, उसमें मूलभूत सुविधाएं देने तथा स्मार्ट सिटी टाउनशिप विकसित करने की घोषणा इसमें की गई थी। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके तहत प्रदेश की जो हमारी 23 मंडी टाउनशिप जो लंबे अरसे के लिए विकास उसके अंदर नहीं हो रहा था, उनका टेक ओवर नोटिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। डेवलपमेंट वर्क्स और उसके साथ में उसका एस्टेट मैनेजमेंट, सो हमारा प्रयास है कि 3 महीने के अंदर अंदर हम उसको कर लें, क्योंकि उनकी सभी की मंजूरी भी हो चुकी है। उसके साथ साथ में हमारे जो पहले हुडा विभाग जिसको कहते थे और वर्तमान में HSVP विभाग जिसको नाम दिया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 163 सेक्टर जिनको बसे हुए 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उनको डेवलप करने के लिए, उनमें काम शुरू करने के लिए 256 करोड़ रुपए की जो बजट की मंजूरी हो चुकी है, और जैसे जैसे एस्टीमेट बनकर वहाँ से आ रहे हैं हम लोग पैसा रिलीज कर रहे हैं ताकि वहाँ पर सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ कर सकें। इसके साथ में जो स्मार्ट सिटीज़ के लिए भी हमारी जो 100 सिटी सिलेक्ट हुई है उसके अंदर करनाल और फरीदाबाद सिटी सिलेक्ट हो चुकी है हमारी, और उसके साथ गुरुग्राम को हम लोगों ने टेक्निकल असिस्टेंट भारत सरकार देगा और हरियाणा उसको अपने खर्चे पर वहन करते उसे स्मार्ट सिटी बनाएगी। इसके साथ जो हमारी दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो यही थी कि वर्तमान बिजली उत्पादन संयंत्रों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि बिजली उत्पादन में वृद्धि की जा सके। हालांकि सीधे रूप से इसका शहरी निकाय विभाग से बिजली उत्पादन का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके साथ में ये जरूर इसमें बताना चाहूँगी कि वर्तमान के अंदर जो, क्योंकि कचरा प्रबंधन हमारा एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है और उसको कंप्लीट करने के लिए हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का भी फैसला लिया है, जिसके तहत गुरुग्राम फरीदाबाद क्लस्टर और सोनीपत और रोहतक क्लस्टर सोनीपत और पानीपत जो क्लस्टर के अंदर वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगाए जाएंगे और जिसके तहत कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और इसकी कुल उत्पादन क्षमता इन दोनों प्रोजेक्ट से 10 मेगावाट के करीब होगी। और बाकी जो 6 क्लस्टर हमारे और हैं उनके अभी टेंडर हम लोग लगा चुके हैं। पंचकुला, भिवानी, रेवाड़ी, फतेहाबाद में भी कचरा से खाद का जो प्लांट वो लगाया जाएगा।